यमुनानगर के जगाधरी के अग्रसेन चौक पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही रात गुजारी अतिथि अध्यापकों ने। गेस्ट टीचर एक्ट में संशोधन कर नियमित होने की मांग को लेकर जगाधरी छुटे थे कल प्रदेश भर के अध्यापक। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास स्थान का घेराव करने जा रहे थे गेस्ट टीचर, परंतु पुलिस ने बैरिकेड लगा सड़क पर ही रोक दिया था इन अध्यापकों को। यहां पुलिस के साथ रात हुई थी धक्का मुक्की। देर रात मौके पर पहुंचे मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आने का दिया न्योता, लेकिन नहीं माने अतिथि अध्यापक। ठंड में रात सड़क पर ही गुजारी इन अध्यापकों ने। सर गेस्ट टीचर्स के बीच पहुंचे थे, क्या उनकी मांगे थी और सर क्या बातचीत हुई? अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक कराई थी और उसमें इनके सर्विस रूल बनाने के लिए और इनको कैशलेस मेडिकल भत्ता देने के लिए उसमें बात हुई थी। तो जो सर्विस रूल है वो हमने बनाए दिए इनके और वो फाइल अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी तो उन्होंने बताया कि सीएम साहब के पास पहुँच गई थी। जहाँ तक कैशलेस मेडिकल की बात है, ग्रुप इंश्योरेंस की बात है, तो वो उन्होंने कहा कि 10 दिन में हम इसकी फाइल भेज देंगे। और बेसिक सैलरी की जो बात थी उसमें एक दुविधा थी कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात थी। तो अभी जो इनके यूनियन के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि बेसिक जो मूल वेतन है उसके बराबर दिया जा सकता है, कोई उसमें ऐसी है नहीं, कोई नियम चेंज करने की जरूरत। लेकिन जो अधिकारी हैं वो नियम चेंज करने की बात है, तो मैंने मंगलवार को इनको बुलाया, अगर नियम चेंज करने की जरूरत नहीं है वहाँ तक हम कर सकते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा।